हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं अशोक कुमार साहू, आपका मेंटर, आपका करियर गाइड। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रूगली स्टूडियो में। मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? हर हर बुगली, घर घर बुगली। देखो दोस्तों, एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए, बुगली की तरफ से एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। मेरे दोस्तों, मेडिसिन और सर्जरी के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और अब मैं आपको फार्मा के भी करवाऊंगा, यानी कि एनक्लिक्स की हर यूनिट के अंदर फार्मा के क्वेश्चंस भी होते हैं। करीब 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन तो होते हैं दोस्तों मेडिसिन सर्जरी के, यानी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के, और उसके साथ साथ फार्मा के क्वेश्चन भी होते हैं। तो गुड न्यूज ये है मेरे दोस्तों कि मैं फार्मा के क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा साथ के साथ, क्योंकि जब एनक्लिक्स पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से पढ़ें। या सुनो, जब एनक्लिक्स को अपन पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से ही पढ़ें कि नहीं पढ़ें, बताओ आप लोग। अच्छा आप लोग बताओ, ठीक डिसीजन है कि नहीं है मेरा? मतलब मैं जैसे 30 क्वेश्चन होते हैं बेटा सॉन्डर्स की बुक के अंदर, हर चैप्टर में 30 क्वेश्चन होते हैं, जो 30 क्वेश्चन में पूरी यूनिट का कम से कम 4 बार रिवीजन हो जाता है। तो 30 क्वेश्चन होते हैं मेडिकल सर्जिकल के, और लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं फार्मा के। तो गुड न्यूज ये है कि मैंने डिसीजन लिया कि फार्मा के क्वेश्चन भी आपको करवाऊं, यानी कि जब अपन एनक्लेक सोल्व कर ही रहे हैं, इतनी मेहनत कर ही रहे हैं रात को 10 बजे, तो थोड़ा ढंग से करें। या सुनो, अरे या सुनो, डिसीजन सही है कि नहीं है? परफेक्ट है ना मामला? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, चलो वन बाय वन करके अपन फार्मा के क्वेश्चन भी करते हैं बेटा। यानी कि भाई साहब, जैसे ही तुम्हारी एनक्लिक्स जो है आने वाले सितंबर के नॉर्सेट तक पूरी होगी, और उससे पहले मैं पूरी करवा दूंगा, ये मेरा आत्मविश्वास है, ठीक है ना? जैसे ही पूरी होगी बेटा अपनी, आपको कोई सा भी नॉर्सेट दिलाओ, ठीक है? क्योंकि जब आप एनक्लिक्स का एक क्वेश्चन समझ लेते हो पूरा मेरी क्लास के अंदर, तो आपको एक क्वेश्चन से कम 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं। यानी कि अगर अपन छोटी गाइड उठा करके छोटे छोटे 25-30 क्वेश्चन करेंगे ना, उतने के बराबर एक क्वेश्चन पड़ता है भारी, ठीक है ना? और अब हमारा नॉर्सेट अगर एनक्लिक्स बेस्ड क्वेश्चन दे या बड़े सिंगल लाइनर दे, हम हर तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। तो जब अपन एनक्लिक्स कर ही रहे हैं तो थोड़ा ढंग से करें। विदेशों के अंदर साउथ सर का कोर्स चल रहा है एनक्लिक्स का, यस नो? विदेशों में साउथ सर के एनक्लिक्स कोर्स की बहुत मांग हो रही है, तो बढ़िया बात है। हम भारत के लोग हैं, हम भारत के लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, अपन बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और मैं आपको सबके क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूँ और सारी जानकारी दे रहा हूँ। यानी कि अब मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 472, 472, और ये है सॉन्डर्स का 8th एडिशन, और लेक्चर नंबर है, सुपर लेक्चर नंबर है 5। आज अपनी 5वीं क्लास है, 4 क्लासे पहले हो गई है, जिसकी कंप्लीट नहीं है वो कर लेना। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कीमोथेरेपी डोज इज फ्रिक्वेंटली बेस्ट ऑन द टोटल बॉडी सरफेस एरिया, सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू परफॉर्म विच असेसमेंट। मैंने दोनों को रेड हाईलाइट कर रहा हुआ है, फॉर एडमिनिस्ट्रिंग कीमोथेरेपी। मेरे साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि कीमोथेरेपी अगर किसी क्लाइंट को हम एडमिनिस्टर करना चाहते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए कि कीमोथेरेपी की जो डोज डिसाइड होती है, वो डोज मेरे दोस्तों बॉडी सरफेस एरिया के आधार पर डिसाइड होती है। किसके आधार पर? बॉडी सरफेस एरिया। और बॉडी का सरफेस एरिया निकालने के लिए दो पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है दोस्तों, एक तो हाइट और दूसरा होता है वेट। ओके, तो कैसे निकालते हैं? तो बीएसए का फॉर्मूला होता है मेरे साथियों, बीएसए इक्वल टू वेट इन केजी, केजी में लेना है। और हाइट को कैसे लेना है साथियों? हाइट को मीटर स्क्वायर के अंदर लेना है। किसमें? हाइट इन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम पेशेंट का बॉडी सरफेस एरिया निकालते हैं,
और बॉडी सरफेस एरिया के आधार पर ही किसी भी पेशेंट का कीमोथेरेपी का डोज डिसाइड होता है। जैसे कि हम लोग ये कैसे डिसाइड करेंगे कि सर कीमोथेरेपी तो देना है, लेकिन सर कोई पेशेंट को कितना क्या है, कितना कैंसर है, कितना उसका बॉडी का सरफेस एरिया है, कितनी किसी की हाइट बड़ी है, कोई मेल है कोई फीमेल है, कोई 40 साल का है कोई 10 साल का है। तो सर हमारे सामने कंफ्यूजन इकट्ठा हो गया कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि कीमोथेरेपी में किसको कितना डोज देना है। तो मेरे साथियों याद रखना, कीमोथेरेपी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंट का वेट चेक करना है और खुद चेक करना है और उसकी हाइट चेक करनी है और बीएसए का फॉर्मूला लगा देना है, वेट इन किलोग्राम और हाइट इन मीटर स्क्वायर करके जितना आता है वही उसका डोज होगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो मेरे साथ ये ऑप्शन क्या कह रहा है, मेजर द क्लाइंट एब्डोमिनल गिर्थ, एब्डोमिनल गिर्थ का कोई रोल नहीं होता है कीमोथेरेपी डोज के लिए। कैलकुलेट द क्लाइंट बॉडी मास इंडेक्स, पेशेंट का बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई, और बीएमआई की तो जरूरत नहीं है दोस्तों, यहां पर बीएमआई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। मेजर द क्लाइंट करंट वेट एंड हाइट, आपको याद होना चाहिए कि पेशेंट से नहीं पूछना है आपको। आस्क द क्लाइंट अबाउट हिज वेट और द हाइट, आपको ऑप्शन नंबर 4 कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि आप पेशेंट से पूछ लीजिए उसका वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है। नहीं मेरे दोस्तों, हमेशा आई लेवल पे चेक करना है, खुद चेक करना है और पेशेंट से पूछा हुआ डाटा यूज नहीं करना है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो मेरे साथियों याद रखना, करंट, मैंने क्या कहा, करंट वेट और हाइट के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि इसका कीमोथेरेपी का डोज कितना होने वाला है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट आंसर जाएगा मेरे साथियों, क्लियर हो गया है। और याद रखना, जब भी हर कीमोथेरेपी आप एडमिनिस्टर करोगे, एक बार फाइनल नहीं करना है, क्योंकि कीमोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी होता है जो लॉन्ग टर्म चलेगा, किसी को 2 साल, 1 साल, 3 साल, या मेरे दोस्तों तो हर बार जब भी कीमोथेरेपी आप देने वाले हैं तो हर बार ही आपको पेशेंट का हाइट और वेट कंफर्म करना होता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्लियर हो गई कि नहीं हुई बात? हर बार आपको करंटली पेशेंट का हाइट और वेट कंफर्म करके ही कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई बात समझ में आ गया है सबको? मेरे दोस्तों यहां पर ध्यान रखो, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मेरे दोस्तों यहां पर ध्यान रखो, अगर मैं कह दूं कि कीमोथेरेपी के पेशेंट का केयर कैसे करेंगे, तो कीमोथेरेपी जब भी दिया जाता है दोस्तों, तो ध्यान से सुनो, कीमोथेरेपी जिस क्लाइंट को मिल रहा है उसका केयर हम कैसे करेंगे, तो लिसन केयरफुली मेरे दोस्तों। कीमोथेरेपी की वजह से कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होता है, और अगर क्वेश्चन कर लिया जाए आपसे, छोटा सा क्वेश्चन है कि कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, जरा आप में से कोई बता सकता है क्या? विच इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग? तो माय डियर स्टूडेंट, ओंडेंसेट्रॉन इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। क्या होता है? ओंडेंसेट्रॉन इज द DOC फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग। दूसरा, यू नो दैट कि कीमोथेरेपी जब भी दिया जाएगा तो ये ट्यूमर सेल का डिस्ट्रक्शन करेगा, और ट्यूमर सेल का डिस्ट्रक्शन होगा मेरे दोस्तों तो पेशेंट की बॉडी के अंदर यानी कि न्यूक्लिक एसिड्स का डिस्ट्रक्शन होगा, यानी इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड मींस क्या? डीएनए होता है, और डीएनए का जैसे ही डिस्ट्रक्शन होगा मेरे साथियों, तो डीएनए में से बहुत एक्सेसिव क्वांटिटी में ब्लड के अंदर प्यूरिन रिलीज होता है, और जब ब्लड के अंदर प्यूरिन रिलीज होता है तो प्यूरिन का एक्सेसिवली मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म से बनता है यूरिक एसिड। क्या बनता है साथियों? यूरिक एसिड। और इस यूरिक एसिड की वजह से इस पेशेंट को क्रोनिक रीनल फेलियर हो सकता है इन फ्यूचर, इस पेशेंट को रीनल स्टोन हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? रीनल स्टोन बन सकते हैं। तो मेरे साथियों, हम लोगों को यह पता होना चाहिए कि सर अगर किसी भी पेशेंट को हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं तो उसको इस यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस यूज करना है, एलोप्यूरिनॉल। कौन सा दवा यूज किया जाएगा? एलोप्यूरिनॉल। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मेरे साथियों, दो बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको। जब भी किसी क्लाइंट को आप कीमोथेरेपी दे तो उसका वाटर इंटेक भी बढ़ा देना चाहिए। तो यहां पर इस यूरिक एसिड को और ज्यादा क्वांटिटी में यानी कि इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए आप इसका
इंक्रीज वाटर इंटेक। वाटर इंटेक भी आपको बढ़ा देना है, यानी कि पानी का अमाउंट जो है 2 से 3 लीटर पर डे कर देना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड जो है वो बॉडी से यूरिन के साथ बाहर निकले, बॉडी में रिटेन ना हो और इसे धीरे धीरे रीनल फेलियर ना हो, यानी किडनी पे इसका कोई भी इफेक्ट ना पड़े, डैमेजिंग इफेक्ट ना पड़े और मेरे साथियों स्टोन का फॉर्मेशन भी ना हो। तो मैं समझ गया कि भाई साहब वाटर इंटेक बढ़ाना है, एलोप्यूरिनोल शुरू करनी है, अगर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग हो रहा है तो ड्रग ऑफ चॉइस मुझे शुरू कर देनी है ओंडेंसेट्रोन। जब भी होता है नोजिया वॉमिटिंग तो ये दवा ले लेगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मेरे साथियों कीमोथेरेपी के ये सारे क्वेश्चन क्लियर हुए कि नहीं हुए? अब हम जानते हैं कि जब भी किसी को कीमोथेरेपी दिया जाता है मेरे साथियों, तो नंबर 4 बात समझ लीजिएगा ध्यान से कि कीमोथेरेपी अगर किसी क्लाइंट को हम स्टार्ट करते हैं तो कीमोथेरेप्यूटिक जो दवाइयां होती है ये क्या करती है दोस्तों, बोन मैरो डिप्रेशन कॉज करती है, और बोन मैरो डिप्रेशन की वजह से इसके अंदर प्लेटलेट काउंट जो है वो घट जाता है। क्या घट जाता है साथियों? प्लेटलेट काउंट घट जाता है, और यदि प्लेटलेट काउंट घट गया तो ब्लीडिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। किसकी संभावना बढ़ जाती है? इंक्रीज ब्लीडिंग पॉसिबिलिटी। तो कीमोथेरेपी वालों को ब्लीडिंग का पॉसिबिलिटी बढ़ेगा, और ब्लीडिंग का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है मेरे साथियों, इसलिए याद रखना कीमोथेरेपी वालों को कभी भी पेन किलिंग के लिए आपको एस्प्रिन नहीं देना है। तो अगला कीमोथेरेपी केयर का क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों? एस्प्रिन अवॉइड करना पड़ेगा। एवरीवन अंडरस्टैंड, एस्प्रिन नहीं देना है। दूसरी बात, कीमोथेरेपी बोन मैरो डिप्रेशन करती है और प्लेटलेट घट गया, और प्लेटलेट घटा तो हमें क्या ध्यान रखना है ये बात यहां लिखी हुई है। मैंने कहा कीमोथेरेपी के केस में वॉमिटिंग होती है, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग होती है, तो हमें क्या मैनेजमेंट करना है ये बात यहां लिखी है। मैंने कहा कीमोथेरेपी की वजह से डीएनए का डिस्ट्रक्शन होता है, और डीएनए डिस्ट्रक्शन की वजह से ब्लड में प्यूरिन का लेवल बढ़ जाता है, और प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बढ़ता है, और अगर यूरिक एसिड ब्लड में बढ़ेगा सर तो ये इन फ्यूचर रीनल डैमेज करेगा, रीनल डैमेज के साथ साथ इसको रीनल स्टोन की पॉसिबिलिटी होती है, तो सर हमें क्या मैनेजमेंट करना चाहिए? तो बेटा इसका एक तो फ्लूड इंटेक बढ़ा दो ताकि ज्यादा से ज्यादा यूरिक एसिड बाहर निकले, और एक टैबलेट शुरू कर दो एलोप्यूरिनोल, ये यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, कंट्रोल करके रखेगा, और इसको फ्यूचर में सीआरएफ, रीनल स्टोन या गाउट होने से बचा लेगा, यानी कि इसे गाउट भी हो सकता है एज ए कॉम्प्लिकेशन। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं कि व्हाट मे बी द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कीमोथेरेपी, तो यू विल आंसर सर हाइपर यूरिसिमिया, सर इन फ्यूचर मे बी पॉसिबिलिटी द क्रोनिक रीनल फेलियर, सर मे बी द पॉसिबिलिटी फॉर द रीनल स्टोन, सर मे बी द पॉसिबिलिटी फॉर द गाउट, और फॉर एवरी प्रॉब्लम देयर इज ओनली द वन सॉल्यूशन, दिस इज द एलोप्यूरिनोल, एंड सेकंड मैनेजमेंट इज दैट इंक्रीज वाटर इंटेक अप टू 2 to 3 लीटर। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन गाइस? क्लियर हो गई है बात यहां तक? हमने आपसे कहा अगले की बात, आगे बात सुने आप, कीमोथेरेपी जस्ट व्हाट विल कॉजेस द कॉम्प्लिकेशन, व्हाट विल द कॉम्प्लिकेशन दैट अकर्स इन द क्लाइंट्स बॉडी ड्यू टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी ऑलवेज डू द बोन मैरो सप्रेशन, और बोन मैरो सप्रेशन जस्ट डिक्रीज द प्लेटलेट काउंट इन द पेशेंट्स ब्लड, एंड इफ द प्लेटलेट काउंट विल बी डिक्रीज द क्लाइंट हैव द ससेप्टिबिलिटी, इंक्रीज्ड ससेप्टिबिलिटी फॉर द ब्लीडिंग, एंड सो वी शुड बी ऑलवेज अवेयर एज अ नर्सिंग ऑफिसर कि व्हेन द सम पेशेंट आर रिसीविंग, अ पेशेंट हु इज रिसीविंग द कीमोथेरेपी, वी नेवर एडमिनिस्टर द एस्प्रिन, वी नेवर सजेस्ट द एस्प्रिन, बिकॉज द क्लाइंट हैव द प्रोबेबिलिटी फॉर द ब्लीडिंग। माय डियर स्टूडेंट, अगेन आप सुनिएगा, जब भी कीमोथेरेपी किसी को आप देंगे तो WBC काउंट भी घट जाएगा। अरे यह सुनो, बात को बताते रहो, मुझे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सब लोग बात बताते रहो बेटा, जितना अच्छा आप लोग लिखते रहोगे, मैं यहां से देख रहा हूं आप लोगों की चैट, पहले मेरा सिस्टम इधर लगा हुआ था सामने, अब मैंने इधर लगा लिया ताकि पूरी नजर रहे आपकी चैट पे, कोई भी चैटिंग मिस ना हो, बात समझते रहो, फीडबैक प्रॉपर करते रहो, कनेक्टिविटी 100% रखो क्लास के अंदर, जब जाकर के हमें क्लास का बेनिफिट मिलेगा।
और एक बार अगर हमारी कमांड बन गई ना एनक्लिक्स के ऊपर, तो सिलेक्शन तो कोई भी नहीं रोक सकता आपका। एनक्लिक्स पे अगर धीरे 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 छोटे छोटे प्रयासों से, अगर मेरे बच्चों मेरे तो प्रयास है, अगर मेरे प्रयासों से तुम्हारा करियर बन जाएगा ना, तो मुझे इससे बड़ी खुशी और कुछ नहीं होगी कि मैंने किसी के घर का चिराग जो है उसको रोशन कर दिया। आप किसी ना किसी माँ बाप के चिराग हो, और किसी ना किसी के चिराग को अगर मैंने वाकई में रोशन कर दिया, तो मेरा नाम अपने आप रोशन हो जाएगा। मैं ईश्वर के सामने बैठूंगा तो मैं ये कह दूंगा कि मैं बहुत सारे लोगों का कैरियर बना के आया हूँ, निस्वार्थ बना के आया हूँ, मुझे बड़ी खुशी है। और मेरे बच्चों, आज वुगली के ऊपर आपको एनक्लिक्स के प्रीमियम लेक्चर बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शुल्क के आपको मैं करवा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, मेरा बहुत कीमती समय होता है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस बात से कि आपके साथ मैं ये समय शेयर कर रहा हूँ। मुझे कुछ सिखाने का मौका आप लोगों ने दिया, एग्जाम ने दिया, ये मेरी बड़ी खुशी की बात है। तो देखिएगा, आगे हम बात समझाते हैं आपको कि मेरे साथियों, WBC काउंट भी घट जाता है। तो जब भी किसी को कीमोथेरेपी चलता है, बोन मैरो डिप्रेशन होता है, और उसका WBC काउंट भी घट जाएगा। और WBC काउंट घटता है मेरे साथियों, तो इसे इन्फेक्शन की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो याद रखना, कीमोथेरेपी और क्या करता है, कीमोथेरेपी इम्यूनोसप्रेशन करता है। क्या करता है मेरे साथियों? इम्यूनोसप्रेशन कॉज करता है। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जिसको भी किसी को कीमोथेरेपी चल रहा है, हम जानते हैं बोन मैरो डिप्रेशन करती है कीमोथेरेपी, और WBC काउंट को घटा देती है। WBC काउंट जैसे ही घटता है, इम्यूनोसप्रेशन होता है, पेशेंट को इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको क्या क्या करना होता है, ये सुनो आप। हमेशा जिस भी किसी क्लाइंट को इन्फेक्शन की संभावना होती है, तो क्या मैनेजमेंट एक नर्सिंग ऑफिसर को करना होता है? तो सबसे पहले तो हमें उसे प्राइवेट रूम देना होता है। क्या देना होता है दोस्तों? प्रोवाइड प्राइवेट रूम। हमेशा इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको प्राइवेट रूम देना है। दूसरा, आपको हैंड हाइजीन मेंटेन करवाना है। क्या मेंटेन करवाना है दोस्तों? सबसे कारगर साबित होता है हैंड हाइजीन। तीसरा, हम क्या कर सकते हैं? लिमिट नंबर ऑफ विजिटर्स। ज्यादा आने जाने वालों की भीड़ जो है वो पेशेंट के पास नहीं भेजनी है, आने जाने वालों की भीड़ को रोकना है। तो मेरे साथियों, पहला ही क्वेश्चन जो है वो बड़ा जबरदस्त सवाल है इस यूनिट का। और आपको ये गुड न्यूज है मेरे बच्चों, क्योंकि हर यूनिट के अंदर आपको 30 से लेकर 35 तक मेडिकल सर्जिकल के MCQs होते हैं सॉन्डर्स के अंदर, और करीब 20 क्वेश्चन होते हैं फार्माकोलॉजी के। और मेरे दोस्तों, हम लोग जब तक फार्मा के टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं, तब तक हमारा मेडिकल सर्जिकल जो है वो अधूरा है। तो मैं आपको ये डिसीजन लेकर के आया हूँ, वो ये है कि मेरे को भाई तैयारी कर रहे हैं, अगर अपन एनक्लिक्स पढ़ ही रहे हैं, तो थोड़ा ढंग से पढ़े, थोड़ा अच्छे ढंग से पढ़े। हमारे पास समय है 2-2.5 महीने जब तक कि हमारा एग्जाम आएगा, और 2-2.5 महीने के अंदर तो एक एक स्टूडेंट जो है वो बोलने लग जाएगा मुंह से, ऐसा लेवल आपके अंदर आ जाएगा इन क्लासेस के माध्यम से। दे आर वेरी इफेक्टिव एंड प्रीमियम क्लासेस। और मेरे दोस्तों, मैंने कहा कि हर क्लास के बाद आपका एक टेस्ट होता है वुगली ऐप के अंदर, जीरो प्राइस टेस्ट सीरीज। तो आप वुगली ऐप के अंदर उस टेस्ट को देंगे तो आपको 20-30 क्वेश्चन और मिल जाएंगे। दूसरी बात है, आपको इन क्लासेस के नोट्स मेंटेन करना है, ताकि एग्जाम टाइम पर जब मैं आपको बोलूं, आपको मैं बोलूंगा एक टाइम आएगा जब कि बेटा अब आ गया है समय रैपिड रिवीजन का, तो उस समय जब रैपिड रिवीजन की मैं बोलूंगा, तो आपके ये जो की नोट्स आप बना रहे हो, ये की नोट्स को आपको रिवाइज करना है। और फिर मेरे दोस्तों, आपका सिलेक्शन निश्चित है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सिंपली यहां पर मैंने क्या कहा आपसे कि जब भी कभी कीमो देंगे तो WBC काउंट घटता है। WBC काउंट घटने से, इम्यूनोसप्रेशन होने से, क्लाइंट को इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। और इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए क्या मैनेजमेंट एक नर्सिंग ऑफिसर को करना चाहिए? तो मेरे साथियों, सबसे पहली बात, जब भी किसी क्लाइंट को इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी हो रही हो, या इम्यूनोसप्रेशन हो रहा हो, या उसका WBC काउंट घट रहा है, ऐसी स्थिति में हम पेशेंट को प्राइवेट रूम प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, हम हैंड हाइजीन मेंटेन करवाएंगे। तीसरी बात, हम कभी भी, याद रखना, जो मिलने जुड़ने वाले लोग आते हैं, यानी विजिटर्स जो आते हैं, उसको लिमिट करवाएंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 यहां पर इंटरवेंशन होंगे एक नर्सिंग ऑफिसर के, प्रोवाइड द प्राइवेट रूम, हैंड हाइजीन, और लिमिट नंबर ऑफ विजिटर। तो हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों हम लोग।
हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि जब भी कभी कीमोथेरेपी किसी को आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप कीमोथेरेपी की डोज किसके आधार पर डिसाइड करते हो। तो कीमोथेरेपी की डोज जो है मेरे साथियों हमेशा बॉडी के सरफेस एरिया के आधार पर डिसाइड होता है। सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको दो पैरामीटर चाहिए होते हैं, एक पेशेंट की हाइट और एक पेशेंट का वेट। जो हमेशा आपको करंट ही लेना है, पेशेंट से पूछ करके काम नहीं चलाना है, करंट खुद आपको चेक करना है। तो हाइट और वेट का यूज करके हम उसका बॉडी सरफेस एरिया निकालते हैं, यानी कि वेट इन किलोग्राम और हाइट इन द मीटर स्क्वायर, और ऐसे करके हम डोज डिसाइड करते हैं। तो हमारा सही आंसर आया दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 473। ये 473 सोंडर्स के 8th एडिशन का क्वेश्चन है, आज हमारा सुपर लेक्चर नंबर 5 है। अ क्लाइंट विद द स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लैरिंक्स। इसको क्या है दोस्तों, स्क्वामस सेल के अंदर कार्सिनोमा हो रहा है, और कौन सी स्क्वामस सेल के अंदर, लैरिंक्स की स्क्वामस सेल्स के अंदर हो रहा है, और इसको एक दवा शुरू की गई है ऐसे केस में, और उस दवा का नाम है दोस्तों ब्लियोमाइसिन। क्या नाम है, ब्लियोमाइसिन। क्या कोई बता पाएगा आप में से कि ब्लियोमाइसिन कौन से टाइप की एंटी न्योप्लास्टिक दवा है, कौन सी टाइप की एंटी कैंसर दवा होती है। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा फिर भी आंसर देना शुरू कर दिया, समझ लो पहले बेटा। द क्लाइंट रिसीविंग द ब्लियोमाइसिन इंट्रावीनसली, आईवी हम इसे ब्लियोमाइसिन शुरू कर रहे हैं। देन विच द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट एंटीसिपेट दैट which diagnostic study will be prescribed। अगर आप किसी भी क्लाइंट को ब्लियोमाइसिन प्रेस्क्राइब किए हुए देखते हो तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ब्लियोमाइसिन जब भी लिखते हैं तो कौन सी डायग्नोस्टिक स्टडी पेशेंट को साथ के साथ लिखा जाता है। लिसन केयरफुली मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ब्लियोमाइसिन क्या होती है। मेरे साथियों ब्लियोमाइसिन, मैंने हमेशा आपको पढ़ाया कि कैंसर की जो दवाइयां होती है, कैंसर या कैंसर मेडिसिन या फिर एंटी कैंसर दवाइयां, या इनको हम कीमोथेरेपी भी कहते हैं, और इन्हीं को दोस्तों हम एंटी नियोप्लास्टिक दवाइयां भी कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक भी कहते हैं। सबका मींस एक ही होता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन। ये दो कैटेगरी में हमने मेनली डिवाइड की हुई है। एक ऐसी दवा दोस्तों जो सेल के सेल साइकिल पर काम नहीं करती है, तो ऐसी दवाइयों को हम नॉन स्पेसिफिक सेल साइकिल फेस मेडिसिन कहेंगे। दूसरी सेल के साइकिल पर काम करती है तो सेल साइकिल फेस स्पेसिफिक दवाइयां, स्पेसिफिक मेडिसिन। तो मेरे दोस्तों याद रखना, जो हमारा ब्लियोमाइसिन दवा होता है, कौन सा, ब्लियोमाइसिन, सबसे पहले ये समझिए ये किस कैटेगरी में आता है दोनों में से। तो मेरे साथियों जो ब्लियोमाइसिन दवा होता है वो सेल का नॉन स्पेसिफिक दवा होता है, यानी कि कौन सी कैटेगरी के अंदर एंटी कैंसर दवा है, ये नॉन स्पेसिफिक टाइप का दवा होता है। अब हम समझे सर कि स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक में क्या डिफरेंस है। मेरे दोस्तों एवरीवन नो दैट कि ये अगर कोई ट्यूमर है तो इसके अंदर बहुत ही सारी सेल होती है, ट्यूमर सेल होती है, और यू भी आप जानते हो कि सर ट्यूमर कैसे बनता है, ट्यूमर का फॉर्मेशन कैसे होता है। यदि अगर ये ट्यूमर है तो हम सब ये जानते हैं कि ट्यूमर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ट्यूमर फॉर्मेशन ड्यू टू अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन के लिए सेल्स को सेल साइकिल से गुजरना पड़ता है। तो मेरे साथियों यू नो दैट, सर मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूं और अभी से ही अच्छी एनक्लिक्स करना चाहता हूं, और गैस डैमेज पूरा खुली गया, पीआर यादव टारगेट हाई तो कुछ नहीं लगती है, अब बहुत सोचने लग गया कंसेप्चुअली। थैंक यू रितेश, ऑल द बेस्ट डियर।
यू आर जस्ट टेकिंग अ वेरी नाइस डिसीजन कि फ्रॉम टू सेकेंड ईयर यू डिसाइड टू सॉल्व द एनक्लिक्स दैट विल बिल्ड अप योर फ्यूचर वेरी स्ट्रॉन्ग. मेरे साथियों जो रितेश सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर रहा है दैट विल वेरी हेल्पफुल टू बिल्ड योर कैरियर वेरी स्ट्रॉन्ग. योर नॉलेज विल बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. इन फ्यूचर इजिली यू विल गेट अ सेलेक्शन एज यू वॉन्ट इन योर चॉइस एग्जाम. डोंट वरी डियर, ऑल द बेस्ट. मेरी ऑलवेज आपके साथ में कोशिश रहेगी, शुभकामनाएं रहेगी. कीप इट अप. लिसन नाउ, कम ऑन द टॉपिक. मेरे साथियों जब भी कोई ट्यूमर सेल का फॉर्मेशन होता है तो ट्यूमर सेल बनता है अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के द्वारा. अब हम चाहते हैं कि सर ऐसी कोई दवा हो जो दवा अगर इस सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड तरीके से जो सेल डिवीजन हो रहा है उसको रोक दे तो वही कैंसर की दवा कहलाएगी. तो दोस्तों इसके लिए हम लोगों ने दो कैटेगरी की दवाइयां बनाई. अब हम ये जानते हैं कि अगर किसी भी सेल को मारना है तो भाई साहब कैसे मार सकते हो आप. इसमें से एक सेल ले लो आप, ये सेल के अंदर ये इसका न्यूक्लियस में डीएनए और साइटोप्लाज्म के अंदर आरएनए. इतनी बात समझ गए आप. अगर इस सेल को डैमेज करना है और चाहते हैं कि इसका सेल डिवीजन यहीं पर रुक जाए ताकि ये ट्यूमर आगे ग्रोथ ना करे तो आप दो काम कर सकते हो. या तो इस सेल के सेल डिवीजन में आवश्यक एंजाइम प्रोटीन का सिंथेसिस अगर हम रोक दें तो इस सेल का डिवीजन रुक जाएगा और ऐसी दवाइयों को हम कहेंगे दोस्तों नॉन स्पेसिफिक दवाइयां. ऐसी दवा जो सेल के साइकिल को रोक दे यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, G1S G2 इनमें से किसी फेज को रोक दे तो दोस्त ऐसी दवा को सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक एंटी कैंसर दवा कहा जाएगा. तो सारी बात क्लियर हो गई इसके पीछे की. अब मैं चलता हूं ब्लियोमाइसिन पर. तो मेरे साथियों ब्लियोमाइसिन क्या है? ब्लियोमाइसिन एक प्रकार का नॉन स्पेसिफिक तरह का सेल साइकिल एंटी कैंसर दवा होता है. अब ब्लियोमाइसिन कैसे कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करता है? तो ब्लियोमाइसिन सेल के अंदर डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को रोक देता है. स्टॉप डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस. मेरे साथियों बात समझ में आ गया कि नहीं आया? स्टार लगाओ इस पे. ब्लियोमाइसिन किस तरह से कैंसर को रोकती है ये बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले मेरे को एक एक बातें बताओ आप लोग, क्योंकि मैं जब तक आप नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा. मतलब मेरा एक एक स्टूडेंट यहां से लर्न करेगा तब ही जाकर के मैं आगे बढ़ूंगा, चाहे समय कितना भी लग जाए मुझे. लेकिन मुझे कमजोर छात्र का हाथ कभी नहीं छोड़ना है. इंटेलिजेंट तो एक बार में रिसीव कर लेगा लेकिन कमजोर छात्र को भी मैं कभी हाथ नहीं छोड़ने वाला और ये मेरी आदत में है शुरू से. बात समझ में आ गया कि ब्लियोमाइसिन किस तरह का दवा है, ये कैसे काम करता है, सेल के डीएनए और आरएनए सिंथेसिस को रोकता है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, नॉन स्पेसिफिक टाइप का सेल साइकिल फेज एंटी कैंसर एंटी नियोप्लास्टिक दवा इसे कहा गया. लेकिन मेरे साथियों याद रखना ब्लियोमाइसिन काम तो करेगा बट ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है किसपे? लंग्स पे. किस पे? लंग्स पे. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखो लंग्स के ऊपर. दूसरा ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है दोस्तों लीवर पे. तीसरा ये एडवर्स इफेक्ट कॉज करता है मेरे साथियों किडनी पर. किस पर? किडनी पर. तो याद रखना अब मुझे ये समझ में आ गया होगा, आप सब ये बात समझ चुके होंगे कि सर जब भी किसी क्लाइंट को कीमोथेरेपी में ब्लियोमाइसिन अगर दे रहे हैं तो हमें ये जानकारी है कि सर ये दवा कैंसर की ग्रोथ को तो रोक देगी लेकिन सर ये दवा लंग्स के लिए टॉक्सिसिटी पैदा करती है. यानी कि ये दवा जो होती है मेरे साथियों पल्मोनरी टॉक्सिसिटी कॉज करती है. सबको बात समझ में आया? पल्मोनरी टॉक्सिसिटी कॉज करती है. क्या टॉक्सिसिटी कॉज करती है? पल्मोनरी टॉक्सिसिटी. यदि हमारे पेशेंट को मेरे दोस्तों डिस्निया और क्रेकल होने लग गया, क्या होने लग जाए?
क्वेश्चन कहां से भी उठ सकता है, ध्यान रखना, डिस्निया प्लस क्रेकल। तो सवाल अगर मैं ये पूछ लूं कि एक पेशेंट है जो हमारे पास 8 दिन पहले एडमिट हुआ था, कल उसको कीमोथेरेपी दिया गया, आज उसको क्रेकल और डिस्निया हो रहा है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, बताइए ये कौन सी दवा का साइड इफेक्ट हो सकता है? तो ये ब्लियोमाइसिन का साइड इफेक्ट है। बताइए कौन सी फाइंडिंग्स पल्मोनरी टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करती है? क्रेकल और डिस्निया दोनों पल्मोनरी टॉक्सिसिटी को इंडिकेट करती है। बताइए ब्लियोमाइसिन के केस में कौन कौन से लैब टेस्ट हमें करवाना चाहिए? तो इसका भी बड़ा सिंपल आंसर आपके सामने आ जाएगा कि सर ऐसे केस में हमें पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाना है, सर ऐसे केस में हमें लीवर फंक्शन टेस्ट करवाना है, सर ऐसे केस में हमें रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाना है। तो मेरे साथियों तीनों क्वेश्चन क्लियर हुए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट के साथ में इसका हेमेटोलॉजिकल टेस्ट भी होने चाहिए, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट भी होने चाहिए, ओके, हेमेटोलॉजिकल स्टडी भी आपको साथ के साथ करवाना चाहिए, क्योंकि ये तो कॉमन होगा, जितने भी कीमोथेरेपी के पेशेंट होंगे उनमें हेमेटोलॉजिकल स्टडी तो कॉमन रहता है, सब में करवाना है, क्योंकि हम जानते हैं कीमोथेरेपी कोई सा भी हो एलोपेसिया सबसे होगा, कीमोथेरेपी का कोई सा भी दवा हो हेमेटोलॉजिकल डिस्टरबेंस यानी बोन मैरो डिप्रेशन सबसे होगा, और बोन मैरो डिप्रेशन होगा तो पैनसाइटोपेनिया होगा, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट आरबीसी घटेंगे। तो हर कीमोथेरेपी वाले पेशेंट के लिए हेमेटोलॉजिकल स्टडी तो कंपल्सरी होता है, लेकिन जिसको ब्लियोमाइसिन दिया जा रहा है तो ब्लियोमाइसिन के केस में सर ने क्या बताया आपको कि सर बेटा ब्लियोमाइसिन जो दवा होता है ये ब्लियोमाइसिन नॉन स्पेसिफिक टाइप का एंटी कैंसर है, ओके, कौन सी दवा है? नॉन स्पेसिफिक एंटी कैंसर। और नॉन स्पेसिफिक एंटी कैंसर में भी किस कैटेगरी की दवा होती है ये मेरे दोस्तों? ये एक प्रकार की कैंसर सेल एंटीबायोटिक होती है, ये भी आप समझ लीजिएगा, ये एक टाइप की कैंसर सेल एंटीबायोटिक होता है। सर ये कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? तो ये डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस को रोकती है, सर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस। सर ये बताइए ये एडवर्स साइड इफेक्ट क्या कॉज करती है? तो ये पल्मोनरी टॉक्सिसिटी सबसे पहले करती है, क्या करती है? पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, यानी कि आपको क्या क्या चेक करना है, पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट एलएफटी और रीनल फंक्शन टेस्ट, ये तीनों कंप्लीट करना है, और हेमेटोलॉजिकल में सीबीसी कर लें और अदर टेस्ट कर लें। क्लियर हुआ के निवा? अब मुझे बताओ मेरे साथियों क्या आप बिल्कुल 100% इस टॉपिक को सीख चुके हो? ब्लियोमाइसिन का चाहे छोटा से छोटा क्वेश्चन आ जाए, बड़ा से बड़ा लेंथी क्वेश्चन आ जाए, चाहे एग्जामिनर की चॉइस से एक क्वेश्चन सोल्व करवाने का मतलब है मेरे साथियों कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन से आपको जब ये क्लासेस आप अटेंड कर लेंगे, ये एनक्लिक्स की प्रीमियम क्लासेस, तो आप टारगेट पीआर वगैरह ये तो सब आप ऐसे ही सोल्व कर देंगे बिना दिमाग पे कोई लोड लिए। तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया कि नहीं हुआ सबको, यहां पर मुझे बता दो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगर कभी और भी एक और सुनो बात, इसमें मैं और भी ऐड कर देता हूं, अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो तुम तो ये याद रखो कि ब्लियोमाइसिन लंग्स के लिए लंग्स की टॉक्सिसिटी कॉज करती है, आप तो ये याद रखो। अब इसके केस में और क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या कारस्थानी कर सकता है एग्जामिनर, कभी आपसे वो ये कह सकता है कि कौन सी दवा पल्मोनरी फाइब्रोसिस कर देगी, तो आपको ये भी याद रखना है कि सर पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज कर सकती है, ये भी आंसर जा सकता है आपका, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी भी कॉज आंसर जा सकता है, लंग्स टॉक्सिसिटी भी आंसर जा सकता है, आपको एक और आंसर जा सकता है बेटा इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस। तो कौन सी दवा का साइड इफेक्ट होता है इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस? ब्लियोमाइसिन का। आपका आंसर डिस्निया और क्रेकल भी जा सकता है, डिस्निया
एंड क्रेकल भी आंसर जा सकता है। तो आई थिंक कि सब तरह से आपको मैंने आगे पीछे से उल्टे सुलटे तरीके से हर तरह से आपको बात समझा दिया है, समझ में आ गया होगा सबको। तो हमारा क्वेश्चन था कि ये बताइए डायग्नोस्टिक स्टडी, कौन सी डायग्नोस्टिक स्टडी रिक्वायर्ड होगी जब ब्लियोमाइसिन कीमोथेरेपी में चल रहा हो। तो इकोकार्डियोग्राम की तो जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जरूरत नहीं है, सर्वाइकल रेडियोग्राफी की जरूरत नहीं है, पल्मोनरी फंक्शन स्टडी की जरूरत है। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता साथियों तो इसकी जगह क्या क्या ऑप्शन आ सकते थे ब्लियोमाइसिन के लिए? इसकी जगह पे आंसर आ सकते थे लंग्स टॉक्सिसिटी, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, डिस्निया, क्रेकल, लीवर फंक्शन टेस्ट या फिर रीनल फंक्शन टेस्ट, ये सारे ऑप्शन इसके हो सकते हैं। अब देखना, मैं दोस्तों हमेशा आपसे एक बात कहता हूं कि स्टूडेंट्स लोग जब तैयारी करते हैं आप लोग, तो आप लोग क्वेश्चन जो लोग रटते हैं, खासकर उनकी बात बता रहा हूं, जो बुगली में नहीं पढ़ते हैं रटते हैं उनकी बात बता रहा हूं, जो क्वेश्चन और आंसर, मेरे साथियों आपको आंसर भी पता होता है क्वेश्चन भी पता होता है। अब जो लोग प्रॉपरली नहीं करते हैं तैयारी, इसके बीच के गैप को नहीं समझते हैं, ये जितनी मैंने जानकारी दी है वो नहीं समझते हैं, तो क्या कर देंगे, एग्जामिनर जैसे ही क्वेश्चन तो वही करेगा, लेकिन मेरे साथियों यहां पर वो चेंज कर देगा। जैसे ही चेंज करेगा तो हम क्वेश्चन के अंदर अटक जाएंगे, या फिर उसने यही ऑप्शन दे दिया लेकिन वो क्या करेगा, यहां से कुछ ऑप्शन चेंज कर देगा, और जैसे ही यहां से थोड़ी सी लैंग्वेज के अंदर मॉडिफाई करेगा तो मेरे दोस्तों हम बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग करेंगे। आज की मेरी उस क्लास को जरूर सुनना जो मैंने 6 बजे शाम को पढ़ाई थी। शाम को 6 बजे मैंने अपना जो बैच शुरू हुआ है आज से SN27, उसके अंदर डेमो क्लास पढ़ाई थी। उसमें मैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ाने के लिए गया था अपने तलवंडी वाले सेंटर पे, हार्ट अटैक जिसको अपन कहते हैं। तो उस दौरान मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब के ऊपर सब बच्चों को ये सिखाया कि आखिरकार तैयारी करते कैसे हैं और हम क्या गलती करते हैं तैयारी के अंदर। तो ये जानकारी जो है सबके लिए बहुत ही अहम जानकारी है, बहुत महत्वपूर्ण एक एनालाइज्ड जानकारी मैंने आज शेयर की है। तो जब समय मिले आपको क्लास के बाद तो उस वीडियो को सुनना, उसमें आपको ये समझ में आएगा कि यार हम शुरुआत जो करते हैं ना, क्या हम उसमें गलती करते हैं कि नहीं करते हैं, हम ऐसी क्या मिस्टेक करते हैं कि 8-8 घंटे पढ़ने के बावजूद भी हम सिलेक्शन गेन नहीं कर पाते हैं। और एक ऐसा छात्र जो सर की बात को मान लेता है, वो 2-3 घंटे रोज पढ़ाई करता है और फिर भी एक बहुत अच्छे मार्क्स लेके आता है टेस्ट में, तो ये गलती क्या करते हैं हम, वो गलती आज मैंने उसमें कोशिश करी आपको बताने की। समय जब मिले ना आपको तो देखना उसको। इसका आंसर आ गया सबको, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, नेक्स्ट है मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 474 और ये है सॉन्डर्स के 8th एडिशन का क्वेश्चन है और आज हमारा सुपर लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर की मेरे दोस्तों पीडीएफ आपको वुगली ऐप के अंदर इनबॉक्स में मिलेगा। वुगली ऐप के अंदर ही आपको 0 प्राइस टेस्ट सीरीज भी चलता है, तो उस टेस्ट सीरीज का भी लाभ आप लोग ले सकते हैं। अ क्लाइंट एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया इज बीइंग ट्रीटेड विद द बुसुलफान, विच लेबोरेटरी वैल्यू वुड द नर्स स्पेसिफिकली मॉनिटर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद दिस मेडिसिन। अब आपसे जो क्वेश्चन किया है, जिस तरह से मैंने अभी ब्लियोमाइसिन का क्वेश्चन आपसे पूछा था, सेम उसी तरह से अब मैं आपसे बुसुलफान का क्वेश्चन पूछ रहा हूं साथियों। तो बुसुलफान भी एक तरह का एल्कलाइटिंग नॉन स्पेसिफिक दवा होता है। तो याद रखना, नॉन स्पेसिफिक जो कैंसर सेल एंटीबायोटिक होती है वो 2 टाइप की होती है साथियों। सबसे पहली दवा होती है एल्कलाइटिंग, कौन सी, एल्कलाइटिंग टाइप की। दूसरी टाइप की जो दवा हम बता रहे हैं मेरे साथियों, उस केस में हमें पता है कि जो अभी हमने आपको बताया कैंसर सेल एंटीबायोटिक्स, कौन सी, कैंसर सेल एंटीबायोटिक्स। तो मेरे साथियों कैंसर सेल एंटीबायोटिक्स के अंदर हमने एग्जाम्पल दिया आपको, सबसे फेमस एग्जाम्पल ब्लियोमाइसिन। अब आप ये एक एक याद कर लोगे आपका काम चल जाएगा। दूसरा मैंने कहा एल्कलाइटिंग का, अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, और उसका एग्जाम्पल है दोस्तों बुसुलफान, कौन सा, बुसुलफान। और बुसुलफान कैसे काम करता है, तो ये सिर्फ डीएनए सिंथेसिस को रोकता है, किसको रोकता है, डीएनए को स्टॉप करता है। लेकिन ब्लियोमाइसिन क्या करता है, डीएनए प्लस आरएनए दोनों को स्टॉप कर देता है, और इसीलिए मेरे साथियों विनो दैट
दोनों ही नॉन स्पेसिफिक टाइप की एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशंस होती हैं। तो कैसे काम करता है ये, तो जब भी आपको याद रखना बुसुल्फान का क्वेश्चन आए तो आंख बंद करके ये लगा देना कि सर बुसुल्फान सिर्फ और सिर्फ यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है? इंक्रीज यूरिक एसिड। और ये तो हम जानते ही हैं कि जब भी कोई भी कीमोथेरेपी की वजह से जब भी कभी हम कीमोथेरेपी पढ़ाते हैं आपको, अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूरा कीमो पढ़ाया, तो कीमो के अंदर हम जानते हैं कि जब भी कीमो चलेगा तो सेल का डिस्ट्रक्शन बढ़ता है और सेल डिस्ट्रक्शन बढ़ने से यूरिक एसिड बढ़ता है। और जैसे यूरिक एसिड बढ़ता है मेरे साथियों, तो यू नो दैट कि पेशेंट को यूरिक एसिड की वजह से क्या दिक्कत आ जाती है, इस पेशेंट को नेफ्रोपैथी होने का पूरा पूरा खतरा होता है। क्या हो जाता है? नेफ्रोपैथी। इसको रीनल स्टोन का पूरा खतरा बन जाता है, अंडरस्टैंड। इसको अचानक रीनल फेलियर होने का खतरा बन जाता है, एक्यूट रीनल फेलियर होने का खतरा बन जाता है। तो जब भी मेरे साथियों किसी भी पेशेंट को बुसुल्फान आप चला रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना है यूरिक एसिड का लेवल कंफर्म करवाओ। यूरिक एसिड जैसे ही बढ़ेगा इसकी वजह से पेशेंट को नेफ्रोपैथी होगा, यानी कि किडनी के अंदर से नेफ्रोन का डैमेज शुरू हो जाएगा, किडनी में स्टोन बनने का पूरा चांस होता है, गाउट होने का खतरा होता है और एक्यूट रीनल फेलियर होने की संभावना बनती है। तो क्वेश्चन क्या किया गया हमसे, ये क्वेश्चन पूछा गया कि एक पेशेंट है एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया का और उसको बुसुल्फान स्टार्ट किया गया है ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी में। बताइए जब किसी को बुसुल्फान शुरू किया जाएगा तो एक नर्सिंग ऑफिसर को क्या ध्यान रखना है, कौन से लैब टेस्ट को रेगुलरली मॉनिटर करते रहना है? तो सर हम यूरिक एसिड को चेक करेंगे तो क्लोटिंग टाइम की जरूरत है, तो सही। क्लोटिंग टाइम जो है मेरे साथियों, हम ये भी जानते हैं कि बोन मैरो डिप्रेशन करता है और बोन मैरो डिप्रेशन के केस में प्लेटलेट काउंट घटता है, लीवर डैमेज करता है, इसलिए क्लोटिंग फैक्टर भी घटते हैं। तो क्लोटिंग टाइम चेक करवाना चाहिए, लेकिन इस दवा के केस में अभी ये सटीक आंसर नहीं बैठेगा, ठीक है ना। इसलिए पहला ऑप्शन हो सकता था लेकिन ये अभी सटीक आंसर नहीं बैठेगा। सटीक आंसर बैठेगा मेरे साथियों यूरिक एसिड का लेवल। पोटेशियम के लेवल को ये अफेक्ट नहीं करेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को ये अफेक्ट नहीं करेगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या होगा, यूरिक एसिड लेवल को कंफर्म करना, क्योंकि ये हाइपर यूरिसिमिया की वजह से ये सब होने वाला है। बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप लोगों को सबको? बुसुल्फान भी क्लियर हो गया, मैंने तीन ही क्वेश्चन पढ़ाए अभी तक आपको, लेकिन तीन क्वेश्चन का मतलब ये समझो मैंने 90 क्वेश्चन पढ़ा दिए। तीन क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया कीमोथेरेपी की डोज डिसाइड करना और पूरा कीमोथेरेपी का केयर करना, उसके साइड इफेक्ट्स पूरे क्या क्या होते हैं वो सारी, उनका मैनेजमेंट क्या होता है, नर्सिंग केयर क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया दोस्त ब्लियोमाइसिन को लेकर के, यानी कि पूरा कीमोथेरेप्यूटिक एंटी नियोप्लास्टिक दवाओं का क्लासिफिकेशन और उसके अंदर ब्लियोमाइसिन का क्या रोल होता है, कौन सी होती है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों ने जो सोल्व किया है वो सोल्व किया है बुसुल्फान का, ये किस तरह की दवा होती है, क्या एडवर्स इफेक्ट करती है और क्या एडवर्स इफेक्ट करती है। तो एडवर्स इफेक्ट के बाद का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है इस तरह से कि लेबोरेटरी चेक क्या करोगे आप, कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे। तो समझ में आ गया तीनों क्वेश्चन, क्लियर हुए कि नहीं हुए सबके, यहां तक बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा आप। वाओ वेरी गुड, बड़ा सुंदर सा सवाल है ये भी, क्वेश्चन 475। क्लाइंट विद स्मॉल सेल लंग्स कैंसर है इसको, इज बीइंग ट्रीटेड विद द इटोपोसाइड, स्टार लगा लेना बेटा इस पे भी। नर्स मॉनिटर द क्लाइंट ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन knowing that which adverse effect is specifically associated with this medicine. तो आपको ये बताना है कि जो इटोपोसाइड दवा है इसकी वजह से स्पेशली कौन सा साइड इफेक्ट होता है। शाबाश, listen carefully मेरे साथियों, सबसे पहले सुनिए आप, इटोपोसाइड जो दवा है
यह किस तरह की दवा होती है। तो मेरे साथियों, इटोपोसाइड सेल साइकिल स्पेसिफिक दवा होती है। कैसी होती है? सेल साइकिल स्पेसिफिक में किस कैटेगरी की दवा है? ये प्लांट एल्केलोइड टाइप का दवा होता है। और प्लांट एल्केलोइड दवा को हम क्या कहते हैं? विंका दवा। प्लांट एल्केलोइड होता है, यानी कि विंका मेडिसिन की कैटेगरी में ये आता है। अंडरस्टैंड? पहले ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि सर जो इटोपोसाइड होता है वो कौन सी दवा है? वो मेरे बच्चों सेल साइकिल स्पेसिफिक मेडिसिन होता है, विंका मेडिसिन होता है, और ये प्लांट एल्केलोइड कहलाता है। प्लांट से निकाला हुआ प्रोडक्ट है जो एंटी कैंसर में यूज होता है। तो पेड़ों की कितनी अहमियत होती है ये आप सब जानते हैं, इसलिए हमें पेड़ लगाने चाहिए। मेरे साथियों सुनिएगा ध्यान से कि सर इटोपोसाइड जो दवा है ये इटोपोसाइड क्या कॉज करती है? मेरे दोस्तों, इटोपोसाइड मेडिकेशन की वजह से जब भी हम किसी को इटोपोसाइड स्टार्ट करते हैं तो इटोपोसाइड के केस में पेशेंट जैसे ही अपनी पोजीशन चेंज करता है, यानी सुपाइन से सिटिंग में और सिटिंग से स्टैंडिंग में अगर वो आता है, तो ऐसा करने पर एकदम उसका ब्लड प्रेशर गिर जाता है, सिस्टोलिक बीपी डॉप हो जाता है। सिस्टोलिक बीपी का पोजीशन चेंज करने पर, सिस्टोलिक बीपी का ड्रॉप होना यानी पोजीशन चेंज करने पर बीपी का ड्रॉप होना ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहलाएगा। अब यदि अगर आपसे पेशेंट ये कह दे, आपसे ये कह दे, एग्जामिनर ऐसा बोल दे कि जब हम किसी को ब्लियो इटोपोसाइड दे रहे हैं तो इटोपोसाइड के केस में हमें क्या करना है, इटोपोसाइड दे रहे हैं तो कौन सा असेसमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप ये कह देंगे कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट हमारा हो जाएगा बीपी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बीपी असेस करना। यदि अगर आपसे ये कह दे कि जिसको इटोपोसाइड चल रहा है उसके लिए कौन सा नर्सिंग केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको कहना है कि सर जिसको ब्लियो इटोपोसाइड चल रहा है उसके लिए हमें ये पता है कि चेंज द पोजीशन स्लोली। तो पहला मैनेजमेंट क्या होगा कि उसे ये रिकमेंड करेंगे हम कि पोजीशन जब भी चेंज करे दोस्तों तो ये स्लोली चेंज करे। दूसरा, जब इन्फ्यूजन आप दे रहे हैं तो 30 से 60 मिनट के अंदर आपको ये इन्फ्यूजन देना है, स्पीड से इस इन्फ्यूजन को नहीं देना है, यानी कि आपको काफी स्लो इन्फ्यूजन देना है। तो जो इटोपोसाइड मेडिसिन एडमिनिस्टर किया जाएगा तो ये ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन करता है, और ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को रोकने के लिए हम इस दवा को काफी स्लो एडमिनिस्टर करते हैं, यानी कि 30 से 60 मिनट के अंदर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है। दूसरा, क्लाइंट को पोजीशन चेंज करने पर हम कहेंगे कि काफी आराम आराम से पोजीशन चेंज करें। अगर सिटिंग में है, अगर ये स्लीपिंग में है और सिटिंग में आना चाहता है तो पहले सिटिंग में आने के बाद थोड़ी देर बैठेगा, फिर हम कहेंगे उसके बाद जाके बेड से नीचे उतरेगा। अगर इसने सब कुछ रैपिडली कर लिया, स्लीपिंग से ये सिटिंग में, सिटिंग से स्टैंडिंग में, तो एकदम जमीन पे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि इसका बीपी काफी डाउन हो जाता है। किस दवा के कारण? इटोपोसाइड के कारण। इटोपोसाइड किस तरह की दवा है? सर ये स्पेसिफिक दवा है, सेल साइकिल स्पेसिफिक। सर ये विंका या प्लांट एल्केलोइड टाइप की मेडिसिन होती है। आइए समझते हैं तो क्या साइड इफेक्ट होता है इसका। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कॉज करती है। एवरीवन अंडरस्टूड? क्या कह दिया जाए? इटोपोसाइड चल रहा है तो कौन सा असेसमेंट सबसे प्रायोरिटी असेसमेंट होगा? तो इसका बीपी चेक करना है सर हमें। दैट इज आवर प्रायोरिटी, दैट इज आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट। अंडरस्टैंड? ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है? जरा बोलिएगा, एवरीथिंग इज वेरी वेल अंडरस्टूड नाउ? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 476। अ क्लिनिकल नर्स प्रिपेयर अ टीचिंग प्लान फॉर अ क्लाइंट रिसीविंग द एंटी नियोप्लास्टिक मेडिसिन। व्हेन इंप्लीमेंटिंग द प्लान नर्स शुड मेक विच स्टेटमेंट टू द क्लाइंट। अभी जो मैंने आपको कीमोथेरेपी समझाया उसमें से आपको ये बताना है कि आप
व्हेन इम्प्लीमेंटिंग दिस प्लान, कीमोथेरेपी एंटी नियोप्लास्टिक मेडिकेशन के लिए टीचिंग प्लान कर रहे हो, तो द नर्स शुड मेक विच स्टेटमेंट टू द क्लाइंट, तो आपको क्या कहना है आपके पेशेंट से। पहला, यू कैन टेक एस्प्रिन एज नीडेड फॉर हेडेक। मेरे साथियों, मैंने इसका जवाब सुनो। सबसे पहले ऑप्शन नंबर वन के बारे में सुनिए। पहला ऑप्शन जो है मेरे साथियों, यू नो दैट कीमोथेरेपी जस्ट कॉजेज द बोन मैरो डिप्रेशन, और बोन मैरो डिप्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज प्लेटलेट काउंट। क्या डिक्रीज करेगा? प्लेटलेट काउंट। और प्लेटलेट काउंट यदि घटा दोस्तों, तो इन दिस केस वी नीड टू अवॉइड एस्प्रिन। तो क्या अवॉइड करना है? एस्प्रिन, जो कि बिल्कुल नहीं देना है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही, ये तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है। अरे यस और नो, पहले ऑप्शन में तो बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है ये? अरे यस और नो, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहा है ना, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो पहला ऑप्शन तो हमने गलत कर दिया। पंकज बेटा, ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है, आप आ जाओ। बैच शुरू हो गया है आज से, और आज से क्लासेस शुरू हो गई है। आज फर्स्ट डेमो था। कोई भी छात्र आकर के 3 दिन तक बिना किसी शुल्क के निशुल्क तरीके से गूगली की पढ़ाई में बैठ सकता है। हमें अपने आप पे कोई डाउट नहीं है हमें अपने आप पे कोई शक नहीं है, बिल्कुल कोई रोक टोक नहीं है किसी भी छात्र को। कोई भी आए, बैठे, पढ़ाई करे, अध्ययन करे, माहौल देखे कोटा का, क्या एनवायरनमेंट है एजुकेशन का कोटा के अंदर। और ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि कोटा का एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा है। ये तो शायद आप में से 100% लोग जानते होंगे कि कोटा को किस नाम से जाना जाता है, और यहाँ के टीचर्स के अंदर क्या पोटेंशियल होता है। अरे भाई, ये शिक्षा का काशी यूं ही नहीं कहलाता है, ये चंबल का पानी है, चंबल का चंबल नदी जानते हो ना, चंबल का पानी है मेरे दोस्त। और चंबल के पानी के अंदर टीचिंग भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है, क्योंकि टीचिंग जो है ना, वो कोटा के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंड में होता है। तो कोटा से पूरी दुनिया के अंदर टीचिंग गया है। तो डोंट वरी, आप आ जाइएगा, एड्रेस आपको मिल ही जाएगा, हम आपका स्वागत कर लेंगे। बाकी या आने के बाद हम संभाल लेंगे, डोंट वरी। यू कैन ड्रिंक बेवरेज कंटेनिंग एल्कोहल इज मॉडरेट अमाउंट ईच इवनिंग। मेरे साथियों, अल्कोहल अगर कोई भी कीमोथेरेपी के साथ कंज्यूम करता है तो उसको टॉक्सिसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगा बेटा? टॉक्सिसिटी, अल्कोहल का टॉक्सिसिटी हो जाएगा। इसलिए सेकंड ऑप्शन में भी भाई साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। ऐसा नहीं कहना है कि जब भी कभी कीमोथेरेपी किसी को शुरू करें तो अल्कोहल तो बिल्कुल भी लेने के लिए मना कर दे। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? मेरे साथियों, तीसरे ऑप्शन में ये कह रहा है, यू नीड टू कंसल्ट विद द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर रिसीविंग द इम्यूनाइजेशन। वाह, वेरी गुड भाई साहब। सुनो तीसरी बात क्या बोली इसने, बिफोर रिसीविंग द इम्यूनाइजेशन यू नीड टू कंसल्ट विद द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बहुत सुंदर बात बोली है ये। आइए एक्सप्लेन करता हूं क्या बोला है इसने। माय डियर स्टूडेंट, जब भी किसी को कीमोथेरेपी दिया जाता है, कीमोथेरेपी का पेशेंट इम्यूनो कॉम्पिटेंट होता है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट होता है। यस और नो? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, यानी कि इसका इम्यूनो सप्रेशन हो जाता है, इम्यूनो सप्रेशन हो रहा है। और माय डियर स्टूडेंट, यदि अगर किसी भी पेशेंट को इम्यूनाइजेशन लेना है, इम्यूनाइजेशन लेना है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रहता है रिसेंटली इम्यूनाइज्ड पर्सन विद लाइव वैक्सीन। मेरे साथियों, ध्यान से सुनो, मैंने किस बात को पॉइंट आउट किया, लाइव वैक्सीन। यदि अगर कोई भी पर्सन कीमोथेरेपी का पेशेंट है तो हमें नर्सिंग ऑफिसर्स को ये जानकारी होती है कि सर
कीमोथेरेपी की वजह से पेशेंट्स का इम्यूनिटी काफी डाउन होता है। अब हम ये भी जानते हैं कि सर अगर किसी को इम्यूनाइजेशन होता है और उसमें अगर लाइव वैक्सीन यूज किया गया इम्यूनाइजेशन के लिए, यानी लाइव वैक्सीन वाला इम्यूनाइजेशन अगर किसी को हुआ है, तो सर इसके अंदर लाइव वायरसेस का इंजेक्टेशन होता है। तो सर कीमोथेरेपी जिसको चल रहा है उसका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, अगर ये इन दो केसेस में ये रहता है तो मेरे दोस्तों इसको बड़ी संभावना होती है वायरल इंफेक्शन होने की। सबको क्लियर हुआ कि नहीं? वाह। तो जिस भी किसी पेशेंट को ये कहना है, आपको समझाना है कि भाई साहब अगर कीमोथेरेपी का पेशेंट आप जो समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसको टीच कर रहे हो, तो ये कह देना उसको कि आप अगर कभी इन फ्यूचर इम्यूनाइजेशन के लिए अगर आपको सजेस्ट किया जाए या इम्यूनाइजेशन करवाना है तो आप प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करके ही आप इम्यूनाइजेशन करवाएं। मेरे साथियों, इंडिया के अंदर प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है, वो नर्सेस है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? और नर्सेस का एक अपना बहुत बड़ा रोल होता है पेशेंट को केयर देने में। मैं यूं कहूं कि मैक्सिमम रोल ही नर्सेस का होता है। 99% जो पेशेंट ठीक होके घर जाता है वो जाता है नर्सेस के एफर्ट्स की वजह से। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डॉक्टर का रोल इसके अंदर कुछ नहीं होता है ज्यादा। डॉक्टर सर्जरी करता है, बस उसमें जरूर रोल होता है। बाकी जनरल मेडिसिनल पेशेंट्स के ऊपर डॉक्टर का ज्यादा रोल नहीं होता, मेडिसिन लिखता है। आपको ये अधिकार है। फॉरेन कंट्रीज में पता है क्या अधिकार है? फॉरेन कंट्रीज में नर्सेस को ये अधिकार है मेरे साथी कि डॉक्टर दवा लिख के गया, पेशेंट आपका है, सुधार नहीं आया, दो दिन हो गए, तीसरे दिन नर्सिंग ऑफिसर उस डॉक्टर को फोन करके ये बोल देगा कि भाई साहब आप जो मेरे इस बेड नंबर 7 वाले पेशेंट के दवा लिख के गए हो ना, इसके सुधार नहीं आ रहा है, आप कुछ ना कुछ आके देखिएगा या दवा चेंज करिए आप। दैट इज द पावर ऑफ नर्सेस। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दिस इज द पावर ऑफ नर्सेस। आप भी अपने पेशेंट के लिए कुछ भी कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन इंस्ट्रक्ट टू योर डॉक्टर कि भैया जो आप दवा लिख रहे हो 5 दिन हो गया, इसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, जस्ट एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो करवा लीजिएगा और या फिर दवा चेंज करिएगा। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो मेरे साथियों, यहां पर याद है आपको कि जो क्लाइंट्स कीमोथेरेपी ले रहा है इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट है, और इस केस में हमें कहना है कि अगर कोई भी पेशेंट ऐसा जो रिसेंटली इम्यूनाइज्ड हुआ है उसके साथ इसको नहीं रखना है, क्योंकि रिसेंटली लाइव वैक्सीन से इम्यूनाइज्ड हुआ है तो इसके अंदर मेरे दोस्तों लाइव वायरस इंजेक्ट किए गए होंगे, और ऐसी कंडीशन में इसको क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में मेरे साथियों ये इंफेक्शन जो है इस पेशेंट को जा सकता है। क्लियर हो गया है? वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी आएगी, कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठी में रेत हो क्या हुआ, इस समुंदर से कभी तेरी लहर भी आएगी। थैंक्स सर जी फॉर योर डेडिकेशन। उमेश कुमार नर्सिंग ऑफिसर बेटा, वाओ भाई साहब, इसने तो ऐसी तूफान लाने वाली बात लिख डाली। अब मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं इसने जो लिखा है। वो जिसे सुनकर खुशी रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी, आज तेरी मुट्ठी में रेत हो क्या हुआ, इस समुंदर से कभी तेरी लहर भी आएगी। वाह भाई साहब, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उमेश, थैंक यू सो मच फॉर डेडिकेट अ वेरी लविंग और इंस्पायरिंग शायरी। यू जस्ट डेडिकेट मी अ वेरी मोटिवेशनल शायरी, लव्स योर शायरी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
एज ए नर्सिंग ऑफिसर, नटखट नर्सिंग ऑफिसर है मेरे सारे। अरे मेरे नटखट लालो, बात समझ में आ गई ना, सारे के सारे उदम्मी है। सुनो, कोई कह रहा है सर दोबारा समझा दो, समझा देता हूं। मैंने कहा कि जिसको कीमोथेरेपी देते हैं, ध्यान से सुनो, इसका इम्यूनो सप्रेशन होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट हो जाते हैं ये। इम्यूनो सप्रेशन होने की वजह से अगर इसको इम्यूनाइजेशन करना है तो लाइव वैक्सीन अवॉइड करें, या ऐसे पेशेंट के साथ इसको रखना है जिसको रिसेंटली लाइव वैक्सीन का इम्यूनाइजेशन हुआ है, तो इसके अंदर वो वायरस का इंफेक्शन आ जाएगा, इसलिए ऐसे पेशेंट के साथ भी नहीं रखें। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आपसे ये कह रहा था कि आप अपने पेशेंट को एंटी नियोप्लास्टिक दवा के केस में टीचिंग प्लान प्रिपेयर कर रहे हो, तो कौन सा स्टेटमेंट टू योर पेशेंट इज इंपॉर्टेंट? तो यू नीड टू कंसल्ट विद द प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर रिसीविंग द इम्यूनाइजेशन। फोर्थ स्टेटमेंट में क्या कह रहा है? इट इज द टाइम फाइन टू रिसीव अ फ्लू वैक्सीन एट द लोकल हेल्थ फेयर विदाउट पीएसपी अप्रूवल बिकॉज फ्लू इज सो कंटेजियस। नहीं करना है दोस्त, तो हमारा राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन। नाउ लिसन द ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 477। मेरे दोस्तों, क्लाइंट विद द ओवेरियन कैंसर, भाई साहब हमारा पेशेंट है ओवेरियन कैंसर का, इज बीइंग ट्रीटेड विद द विनक्रिस्टिन। विनक्रिस्टिन से इसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। नर्स मॉनिटर द क्लाइंट नोइंग दैट विच मैनिफेस्टेशन इंडिकेट द एडवर्स इफेक्ट स्पेसिफिक टू दिस मेडिसिन। विनक्रिस्टिन का एडवर्स इफेक्ट आपको बताना है, और सवाल बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये, लगाओ इस पे भाई साहब 7 स्टार। विनक्रिस्टिन के बारे में, और पहली बात याद रखो मेरे दोस्तों, विनक्रिस्टिन क्या होता है? विनक्रिस्टिन दवा जो है ये भी एक तरह का प्लांट एल्केलोइड दवा होता है। कैसा होता है? प्लांट एल्केलोइड टाइप का एंटी कैंसर होता है, और प्लांट एल्केलोइड्स को हम क्या बोलते हैं? विंका ड्रग्स। क्या कहते हैं? विंका ड्रग कहते हैं। यानी कि ये स्पेसिफिक एंटी नियोप्लास्टिक है, स्पेसिफिक एंटी नियोप्लास्टिक। ओके, इतनी बात समझ में आया पहले विनक्रिस्टिन के बारे में। अब याद रखना मेरे दोस्तों, ऑलमोस्ट जितने भी पेशेंट्स को अपन विनक्रिस्टिन चलाते हैं कीमोथेरेपी के अंदर, ये दवा सबको ही पेरिफेरल न्यूरोपैथी कर देता है। क्या कॉज करता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी को इंडिकेट करने वाली फाइंडिंग्स क्या क्या होंगी मेरे दोस्तों? तो जब भी किसी क्लाइंट को अगर विनक्रिस्टिन दिया जाता है, तो ये एवरी पेशेंट में, ऑलमोस्ट सबके अंदर पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करता है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जब भी किसी के अंदर होगा, तो मेरे साथियों, पेशेंट को लेग्स के अंदर क्या शुरू हो जाएगा? नंबनेस एंड टिंगलिंग। तो नंबनेस एंड टिंगलिंग यदि अगर किसी को कॉज हो रहा है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? अगर मैं क्वेश्चन रिवर्स कर लूं आपसे, देखो क्या रिवर्स करूंगा, उल्टा सवाल आ जाए कि अ क्लाइंट जस्ट रिसीविंग द कीमोथेरेपी और नाउ टुडे ही इज कंप्लेनिंग फॉर द नंबनेस एंड टिंगलिंग इन द लेग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी कैंसर ड्रग कैन कोज द नंबनेस एंड टिंगलिंग? तो आंसर क्या आ जाएगा सर? विनक्रिस्टिन। इसी क्वेश्चन को फिर पूछता हूं आपसे, फिर सोचना आप क्या क्या करता है एग्जामिनर, सवाल तो यही होता है, इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा बेटा। लेकिन इसको ऐसे 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 घुमा घुमा के, इसीलिए मैं पढ़ाते वक्त कम से कम दो दो तीन तीन लैंग्वेज मेरे स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, हर एक क्वेश्चन में 3 लैंग्वेज। मेरा समय तो लगता है मुझे पढ़ाने में, समय मुझे लगता है पढ़ाने में, लेकिन मेरे दोस्तों कभी कभी मेरा 6 महीने में 7 महीने में बैच पूरा नहीं होता है। लेकिन आप ये महसूस कर रहे होंगे कि मैं किस लेवल से एफर्ट डालता हूं मेरी टीचिंग के अंदर, ये भी आप महसूस कर रहे होंगे। कभी कभी हो जाता है, बच्चे कहने लग जाते हैं कि अरे सर का कोर्स नहीं हुआ, 6 से भी ज्यादा टाइम हो गया हमें तो। मैंने कहा बेटा वो मत देखो कि टाइम कितना दिया, सर के इससे कोई फायदा नहीं है, सर के तो इवन नुकसान ही हो रहा है कि आप जो है रोज आ रहे हैं, बिल्डिंग में बैठे हुए हैं, फैन चल रहा है, एसी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लाइटिंग चल रहा है, तो सर तो नया बैच डालते अदरवाइज। तो बेटा एफर्ट की वजह से टाइम कंज्यूम होता है, अगर शॉर्ट में फॉर्मेलिटी करनी है तो फिर तो कुछ भी है,
कैसे भी कुछ भी हो सकता है। तो मेरे साथियों याद रखना, आपको सीखना है, आपका टारगेट कोर्स करना नहीं होता है, आपका टारगेट होता है सीखना। और जो सीखने पे कंसंट्रेट करेगा वो डेफिनेटली इतिहास रचेगा। तो मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना बात को, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। विनक्रिस्टिन एक प्लांट एल्केलोइड दवा होता है जिसको हम विंका ड्रग कहते हैं, और विंका ड्रग जो है स्पेसिफिक सेल साइकिल एंटीबायोटिक होता है। मेरे बच्चों यहां पर पेरिफेरल न्यूरोपैथी ऑलमोस्ट हर पेशेंट में कॉज करता है। अब इसकी वजह से टिंगलिंग और नमनेस होता है। अब सुनो क्वेश्चन फिर से, क्या किया जा सकता है कि अ क्लाइंट दैट वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल बिफोर द 4 days एंड बिफोर 2 days ही रिसीव्ड द कीमोथेरेपी। नाउ टुडे द पेशेंट हैव द पेरिफेरल न्यूरोपैथी ड्यू टू द विनक्रिस्टिन एंटी कैंसर मेडिसिन। Which of the following findings given in the option are indicate the presence of peripheral neuropathy due to this medicine? तो जवाब क्या आ जाएगा बेटा? जवाब आ जाएगा tingling and numbness in the lung. Tingling and numbness. Crystal clear हो गया? Tingling numbness both are indicating the presence of peripheral neuropathy. Clear है? और मेरे बच्चों याद रखना, अचाइलिस टेंडन रिफ्लेक्स का डिप्रेशन, इसके बाद एक और बात लिख रहा हूं मैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या होगा, फर्स्ट क्लिनिकल साइन पेरिफेरल न्यूरोपैथी का फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या होगा, तो मेरे दोस्तों याद रखना इसका फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है अचाइलिस टेंडन रिफ्लेक्स का डिप्रेशन। तो क्या क्या क्वेश्चन मैंने, सुनिएगा अगेन वापस से, जो विनक्रिस्टिन दवा है, प्लांट एल्केलोइड है, विंकार्ड मेडिसिन कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक कैंसर सेल मेडिकेशन होता है, ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कोज करता है, ऑलमोस्ट हर पेशेंट के अंदर करता है, टिंगलिंग एंड नमनेस हो जाता है। टिंगलिंग एंड नमनेस या पेरिफेरल न्यूरोपैथी का फर्स्ट क्लिनिकल साइन क्या होता है, केवल ये सिंगल लाइनर भी अगर आपसे कर लूं तो आपको पता हो कि फर्स्ट क्लिनिकल साइन होता है सर इसका अचाइलिस टेंडन रिफ्लेक्स का डिप्रेशन। सर इसके अलावा और क्या होता है? तो टिंगलिंग एंड नमनेस इसकी वजह से कॉज होता है। और क्या हो सकता है सर इसकी वजह से? बेटा इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी पेशेंट को हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन, डायरिया नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन भी कॉज कर देती है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है, सीधा सीधा सा आंसर आ ही गया होगा। तो क्या सबको बात क्लियर हो गई? विनक्रिस्टिन आ गया, आज ये समझो कि कीमोथेरेपी के वो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं जो मेरे दोस्तों बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं। मतलब मैं क्या बताऊं इसके, एक एक क्वेश्चन को मैं कैसे आपको बयां करूं कि इसका क्वेश्चन का महत्व कितना है। जो इसको सिर्फ क्वेश्चन समझ बैठेगा वो गलती करेगा। बेटा इस क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन नहीं होता है, इस क्वेश्चन का मतलब होता है कि पूरा टॉपिक ही क्लियर हो जाता है। बात समझ गया? और सारा निचोड़ नोट्स का इस एक क्वेश्चन में आ जाता है। ठीक है, आगे सुनो। अब क्वेश्चन नंबर 478, The nurse is reviewing the history and physical examination of client will be receiving the asparaginase. मेरे दोस्तों क्या दिया जा रहा है इसको? Asparaginase दिया जा रहा है। Asparaginase दवा जो होती है एंटी नियोप्लास्टिक दवा है। The nurse contact the primary healthcare provider before administering the medicine if which disorder is documented in the client history. आपको ये कहा जा रहा है कि एस्परजिनेस दवा किसी को शुरू करना है तो बताइए अगर पेशेंट को कौन सा डिसऑर्डर पहले से है तो इस दवा के केस में हम तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिल लेंगे। इस दवा को शुरू करने से पहले जरा आप बताइएगा कि कौन सा टाइप का ऐसा डिसऑर्डर होता है अगर इस दवा को एडमिनिस्टर करना है तो उससे पहले आप पेशेंट से मिल लेंगे।
पैनक्रियाटाइटिस, डायबिटीज, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। लिसन केयरफुली मेरे दोस्तों, एस्परजिनेस जो दवा होता है, पहले इसके बारे में सुनो। आप आपने सुना होगा एल एस्परजिनेस। एल एस्परजिनेस जो दवा होता है, एल एस्परजिनेस दवा एक प्रकार का एंजाइम वाला, एंजाइम बेस्ड दवा होता है, एंटी नियोप्लास्टिक दवा होती है। इसको हम ल्यूकेमिया में यूज करते हैं बेटा। किसके पेशेंट को यूज करते हैं? ल्यूकेमिया के केस में इस दवा को यूज किया जाता है, एल एस्परजिनेस। अब ये दवा जो होता है, ये मेडिकेशन मेरे दोस्तों पैनक्रिया के लिए हार्मफुल होता है। किसके लिए हार्मफुल होता है? तो ये पैनक्रिया को डैमेज करता है। किसको? पैनक्रिया को डैमेज करता है। और अगर किसी भी क्लाइंट को पैनक्रिया की हाइपर सेंसिटिविटी, इफ हाइपर सेंसिटिविटी टू पैनक्रिया, हाइपर सेंसिटिविटी टू पैनक्रिया, देन कॉन्ट्रा इंडिकेट दिस ड्रग। मेरे दोस्तों एल एस्परजिनेस को तब किसी क्लाइंट को नहीं देना है अगर उसको पैनक्रियाटाइटिस है या पैनक्रिया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। तो अगर आपने इसको दे दिया और पैनक्रिया की प्रॉब्लम है, पैनक्रियाटाइटिस भी इसको है, तो मेरे साथियों इसको नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल एरिया में पैन होने लग जाएगा। तो एब्डोमिनल पैन शुरू हो जाएगा, तो दीज आर इंडिकेटिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एल एस्परजिनेस। और एल एस्परजिनेस का फोटो देखो, ये एल एस्परजिनेस इंजेक्शन है। आईवी इसको लगाते हैं, सिंगल यूज वाइल में आता है। एल एस्परजिनेस जो होता है मेरे साथियों, यू नो दैट इफेक्ट कॉजेस साइड इफेक्ट ऑन पैनक्रिया। किस पे साइड इफेक्ट करता है बेटा? पैनक्रिया पे साइड इफेक्ट करता है। और इसलिए पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन के लिए असिस किया जाता है। डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ये असिसमेंट हम लोगों को करना है। तो हमारा क्वेश्चन में राइट आंसर आ गया बेटा, पैनक्रियाटाइटिस, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये आप एक्यूट केस में बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इन फ्यूचर इसका साइड इफेक्ट पूछेंगे तो क्या हो जाएगा इसको? डायबिटीज मेलाइटस। क्रिस्टल क्लियर है? तो आज सवा घंटे क्लास हो गई है दोस्त, आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना है अंत में। मैं हमेशा रोज आपसे एक सवाल पूछ के जाता हूँ, आज एक प्रश्न आपके लिए। इस प्रश्न का सबको जवाब देना है कि what is the name of this procedure? इस सर्जरी का क्या नाम है? What is the name of this surgery and which patient we recommend this surgery? कौन से patients को ये सर्जरी की जाती है और इस सर्जरी का नाम क्या है? आज का सवाल जो है, hot question जो है, ये hot question का जवाब आपको आज देना है। ठीक है, जिस जिसको आता है वो अभी तुरंत लिख देंगे इसके बाद ही, क्लास के बाद ही, और जिसको नहीं आता है वो सर्च करके इसका आंसर देने वाले हैं। तो चलिएगा, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, शुभ रात्रि, हर हर गुगली, घर घर गुगली। हरे लक्ष्य हासिल हो ना पाए, कदम मिला कर चल, मंजिल तेरे पगचों में।